डीएनए का, ये 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया। अभी इंटरनेट से टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो खबर पब्लिश की थी, टाइम्स ऑफ इंडिया का 21 मई 2001 का जो पुराना अंक है उसको हमने इंटरनेट पर देखा, वो खबर वहां नहीं है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही खबर पब्लिश की, हमने इसको रिजर्व करके रखा टाइम्स के नाम पर। हमको मालूम था ये बदमाश लोग हैं, ये साले गायब कर देंगे, इसको हमने अपने पास रखा हुआ है। अभी इंटरनेट पर टाइम्स ऑफ इंडिया के पुराने अंक अवेलेबल है मगर खबर नहीं है। इससे उनका माइंड रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। डरा हुआ आदमी जो है वो ऐसा करता है। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी, उसके अनुसार उसमें क्या बताया गया कि भारत का जो ब्राह्मण है उसका डीएनए 0.10, जो भारत के मूल रहने वाले लोग हैं, चुरुल कास के लोग हैं, चुरुल टाइप के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों का जो डीएनए है उनके और ब्राह्मणों के डीएनए में कितना अंतर है, तो ये अंतर बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है। अगर 0.10, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, अगर गणित थोड़ा बहुत जानते हो। मैं गणित का सब गणित का विद्यार्थी नहीं रहा, गणित मेरा कच्चा था इसलिए मैंने ये गणित नहीं लिया था, मगर गणित बता रहा हूं। इसको उल्टा करो, 99.99, ये जो डिफरेंस है इस तरह से होता है 0.10, इसको उल्टे तरीके से लिखा जा सकता है 99.99। स्वामी जी बराबर है ना, इतना डिफरेंस है। और ब्राह्मण का जो डीएनए है और क्षत्रिय का जो डीएनए है उसमें अंतर है कितना, 0.12। तो ये कितना होगा, ये होगा 99.98.8, ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा होगा। गणित कर लेना ठीक से, जो मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा माइक्रो बता रहा हूं, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट जो है बढ़ गए हैं, 0.12। और जो वैश्य का डीएनए है वो है 0.16। तो क्षत्रिय के इसमें और वैश्य के इसमें 4 पॉइंट का अंतर है, ब्राह्मण और क्षत्रिय के अंदर 2 पॉइंट का डिफरेंस है, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब हजारों साल हमारे साथ रहे हैं, थोड़ा बहुत मिलावट हो गया होगा, थोड़ा डिफरेंस तो आ जाएगा, इसमें माना जा सकता है, थोड़ा बहुत तो स्वाभाविक माना जा सकता है। तो ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमने कॉन्शियसली रखा है। वो जो रिसर्च माइकल बामशात जो अमेरिका के उताह विश्वविद्यालय में वॉशिंगटन में है, वो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसने भारत की जो विशेषता है वो विशेषता है कास्ट। माइकल भामशात के दिमाग में बात आई कि ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशिया में है।
तो एक कारण इसका क्या है, जरूर इसका कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होगा, इसका जरूर कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा, और इस कारण का पता करना जरूरी होगा। इसलिए माइकल बामचात ने खास तौर पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया। फिर उसके मन में एक डाउट तैयार हो गया, साला मैं अगर तैयार करूंगा तो भारत के लोग शायद, मैं विदेशी आदमी हूं और भारत के लोगों में विभाजित पैदा करने के लिए जानबूझकर उन्होंने ऐसा जो है शोध लाया है, ऐसा आरोप लाया जा सकता है। इसलिए उसने क्या किया, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का कोलैबोरेशन किया उसके साथ में, उनके एक्सपर्ट लोगों को उसके साथ जोड़ा। फिर विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है उसके बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उसको उसके साथ में जोड़ा, और एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग इस तरह से भारत के जो इससे संबंधित जो लोग हैं एक्सपर्ट लोगों को उसके उन्होंने साथ जोड़कर एक जॉइंट प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम ने संगा बताया कि 265 लोगों का ग्रुप था, मिक्स ग्रुप था, दुनिया से हर देशों से उन्होंने ब्लड सैंपल्स इकट्ठा किया और उसके आधार पर सारे जगह से, और फिर उसको हर सैंपल को उन्होंने कंपेयर करने के लिए मिलाया और मिलाकर बता किया कौन सा कहां मिलता है। तो जो ब्राह्मणों का डीएनए है वो यूरेशियन लोगों के डीएनए से मिल गया, यूरेशियन लोगों के डीएनए जैसे ही मिल गया पता चल गया हां यहां से इसका जो जड़ है वो यहां है, यहां से ये माइग्रेट है। तो डीएनए के आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि यह यूरेशियन से माइग्रेट है। अब पुणा का जय दीक्षित नाम का ब्राह्मण है, वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में है, उसने अपना अलग रिसर्च बनाया और वो वहां गया, यूरेशिया में गया, तो रशिया में जो काला सागर है उसके पास अस्की मोझी नाम का रीजन है, प्रांत है, विशिष्ट एरिया है, उस एरिया के लोगों का ही डीएनए मिलता है और बाकी का नहीं मिलता है। तो ये भूगोल भी प्रमाणित किया, उसे भूगोल भी प्रमाणित हुआ, जागरूक भी प्रमाणित हो गया, उसका एरिया भूगोल किलोमीटर बाय किलोमीटर प्रमाणित हो गया, क्योंकि ब्राह्मण के दिमाग में होगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ये भारत से तो जाना ही होगा। जाने के पहले अंग्रेजों को तो मालूम था कहां जाना है, हमको मालूम नहीं चला जाना कहां, तो मालूम होना चाहिए। तो ये जिस तरह से यहूदियों ने इज़राइल बसाया तो ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये माइंड रिफ्लेक्ट होता है। तो जय दीक्षित ने अपना एक रिसर्च पब्लिश किया, वो भी सिमिलर है, माइकल बामचात अमेरिकन है, जय दीक्षित भारतीय ब्राह्मण है, उसने माइकल बामचात के सिद्धांत को मानकर रिसर्च किया और कहा हाँ बराबर है, ब्राह्मण कह रहा है, खुद ब्राह्मण कह रहा है कि हाँ भाई माइकल बामचात का जो रिसर्च है वो बराबर है। उसको उसने और विस्तार देकर, जय दीक्षित ने विस्तार देकर कहा कि आप यूरेशियन कह रहे हो तो वो यूरेशियन एरिया है कहां, एग्जैक्टली कहां है, तो उसने कहा काला सागर के पास में है, उस प्रांत का नाम अस्की मोझी है, उसका किलोमीटर का किलोमीटर इतना भूगोल है, ऐसा डिटेल किया उसने। शायद यहूदियों की तरह, जूस की तरह, उनको किलोमीटर बाय किलोमीटर भूगोल इसलिए ढूंढना पड़ा क्योंकि भविष्य में अपना देश कितना किलोमीटर होगा, लंबा चौड़ा आड़ा टेढ़ा कितना होगा, शायद वो प्लान बना रहे होंगे, क्योंकि जो बहुत दूर तक देखने वाले लोग होते हैं वो इसी तरह से सोचते हैं। तो इस तरह से जय दीक्षित ने माइकल बामचात के सिद्धांत को प्रमाणित कर दिया, कहा यह है बराबर है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो बहुत अहम है, माइकल बामचात ने जो रिसर्च किया कि भारत में जो कास्ट सिस्टम है वो कैसे